नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल की सदर बाजार चौकी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक बार फिर से एक पीड़ित महिला हमारे साथ मौजूद है। महिला है बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से क्योंकि 19 साल पहले जलंधर में इनकी शादी हुई थी। करनाल की ये बेटी है, पति से ये बहुत ज़्यादा तंग थी, पति से बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिस परेशानी के चलते इन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया। तलाक बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आप अपने पति से खुश नहीं हैं, उस घर में अच्छे से आपका गुजारा नहीं हो रहा, तो पति को छोड़ना हर कोई ज़रूरी समझता है। लेकिन जलंधर से ये लगभग 2-2.5 महीने पहले करनाल आई। करनाल में जब ये आती हैं तो इनके जो आरोप हैं अब के, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जिन्होंने इनको जन्म दिया है, इनके माता पिता, जो इनका आरोप है महिला का कि इनके साथ मार पिटाई करते हैं, यहाँ तक कि महिला के ये भी आरोप है कि इनके माँ बाप चाहते हैं कि ये वैश्यवृत्ति के धंधे में आ जाए और गलत काम करना शुरू कर दें। आरोप इतने ज़्यादा संगीन है कि इनका ये कहना है कि इनके घर में एक सौतेला भाई भी है जो इनकी इज्जत पर हाथ डालता है। बहुत बार इनको गलत नज़र से देखा जाता है, गलत तरीके से हाथ लगाया जाता है। क्या कुछ इनके आरोप हैं वो इन्हीं से जानेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। मैडम, क्या नाम है आपका? आज चौकी में खड़ी हुई है, क्या कुछ परेशानी है आपको? मुझे यही परेशानी है कि मुझे हक मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप कहते हैं कि तू यहाँ पे आई है तो तेरे को हमने वेश्या बनाना है। मेरा भाई कहता है कि मैं तेरे को बंदे लेके आऊँगा, मैं तेरे को बंदों से गलत काम करवाऊँगा। क्यों? मैं 19 सालों से मैंने यही संघर्ष किया है। क्या नाम है आपका? ज्योति है मेरा नाम। मैं जलंधर में रहती हूँ। मेरे पति भी मेरे साथ अत्याचार हद से ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने उनको कमा के इतना दिया है कि पूरी ज़िंदगी मैं थक गई हूँ। मैं करियाने का काम करती हूँ, वेस्टर्न मनी का, ग्राम मनी का, फ़ोटो कापी, सारे काम मैं खुद करती हूँ। 19 सालों से दूध का बिल, बिजली का बिल, हर चीज़ मैं कर रही हूँ। क्यों? पति से अलग? मैं अब पति से अलग हूँ। अब वो गिड़गिड़ा रहा है मेरे आगे। क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्योंकि अब सोने देने वाली मुर्गी इसके हाथ से निकल गई है। अब मैं अपने माँ बाप के पास भी आ गई हूँ। माँ बाप भी मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? मैं उनकी बेटी हूँ और एक सगी बेटी हूँ मैं उनकी। और मेरे यहाँ पे राम अवतार ताया जी है, सारे हमारी इतनी रिश्तेदारी है। वो कहते हैं कि हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मेरे सारे चेकअप करवाए जाए, मेरे को हर चीज़ से देखा जाए। मेरे पास 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा मेरे हक में है, हर चीज़ में मेरे हक में है। अब दिक्कत क्या है? आपके आरोप ये भी है कि आपके माता पिता आपके साथ मारपिटाई करते हैं। आपने एक आरोप ये भी लगाया जो काफ़ी संगीन है और सुनने में भी काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला है कि आपके माँ बाप चाहते हैं आप गलत काम शुरू करें। माँ बाप चाहते हैं, मेरा भाई चाहता है, मेरे पापा चाहते हैं, हमारे पापा हमारे ऊपर, सगा सुतेला भाई है मेरा, पापा मुझे हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, मेरा सगा बाप। और मेरे सगे बाप ने यानी कि काफ़ी बार कोशिश की है। और मैं बताऊँ, यहाँ पे रहते हुए भी मैंने अपना बच्चा अपनी सेफ्टी के लिए बुलाया है कि मेरे ऊपर किस तरह का हाथ लगाया जा रहा है। अगर ये कोई गुनाह है, अगर इंसान किसी से, सौतेले भाई ने बचपन में हमारे मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है। और आपने कभी अपनी माँ से बात? मैंने अपनी माँ से बात की क्योंकि वो मेरी माँ की हमेशा इज्जत लूटता रहा है, हमेशा मेरी। ये कैसे पता आपको? ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब हमने अपनी आंखों से देखा है और हम उसको हमेशा ये कह रहे थे कि तूने ये गलत किया, कहता जाने दे तेरे साथ भी कर दूंगा। और कहता कोई थाना की, कोई पुलिस वाला, कोई मीडिया, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने मेरे को ये कहा है, मेरे को इंसाफ चाहिए। एक का नाम है पवन और ये मेरा सौतेला भाई है। इसने हमारी इतनी जिंदगी बचपन से नहीं, ये मेरे पापा की पहली औलाद है, ये मेरे पापा की पहली औलाद है। और इसने हमारा इतना जीना हराम किया हुआ है। जब ये हमारे घर पे नहीं होता तो मम्मी पापा अच्छा वो सलूक करते हैं क्योंकि उसको खाने के लिए मैं सब कुछ दे रही हूँ। ये कहता है कि मेरे टीके लगाता है,
ड्रग्स के टीके लगाता है कि टीकों के लिए पैसे हमारे से चोरी करता है, कभी हमारा फोन चोरी कर जाता है। माँ बाप का क्या नाम है? माँ बाप का नाम है, एक का नाम पूनम है, मेरी मम्मी का नाम। मेरी मम्मी मेरे ऊपर इतनी अत्याचार कर रही है कि मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं इंसाफ लूँ तो कहाँ से लूँ, कैसे लूँ, मुझे कैसे इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ घर से निकल जा, पैसे दे दो तो सब सही है, मैं कहाँ से पैसे कमा रही हूँ। हाँ, मैं अब नहीं कमा रही, मैं अब मेरे पास थोड़ा बैंक बैलेंस था, अब मैं भीख मांग रही हूँ। मेरी ये नौबत आ गई है कि मैं सारे भाई बहनों से 10-20-50-100 रुपये इकट्ठा करके और किसी आश्रम से या यानी कि क्या कहते हैं काफ़ी जगह से मैं भीख मांग के आटा दाल चीनी सब कुछ लेके आ रही हूँ, पर मैंने अपनी इज्जत नहीं बेचनी। ये सब कहते हैं कि सिर्फ इज्जत बेच, इज्जत बेच, इज्जत बेच के बहुत बड़े नोट आएंगे। मैंने कहा मैंने अपना ईमान नहीं बेचना, इज्जत नहीं बेचना। माँ बाप अपनी बच्ची से ये क्यों बोल सकते हैं? माँ बाप तो ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारी बेटी अगर घर से बाहर जाए तो उसको कोई गलत नज़र से देख भी ले। और यहाँ पर आपके माँ बाप आपसे क्यों गलत काम करवाना चाहेंगे? क्योंकि उनके पास एक रुपया भी नहीं है। वो सोचते हैं कि बस ये है कि बस पैसे पैसे मिलने चाहिए, हर तरफ से पैसे आने चाहिए, जैसे मर्जी सिर्फ पैसा आना चाहिए। क्यों पैसे की वैल्यू ये है? मैं जिस बेटी जो बेटी इतना प्यार करती है सिर्फ उसको पैसा चाहिए? यानी कि हमारी माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे बाप को ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे भाइयों को ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे पूरे परिवार में मैंने सारे परिवारों में जाके गिड़गड़ा के मदद मांगी है। वो कहते हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, तेरा कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, जिस घर में रह रही है तेरे को धक्के मार के सब निकाले जाएंगे। ये हाथ में मेरा यानी कि मेडिकल है जो मैं रात को करवा के आई हूँ, और जो मेरे पास वीडियो भी है, ऐसी काफ़ी वीडियो है मेरे पास कि जो मैंने अपने बेटे को कहा था, कम से कम मेरे पास अपने पति के खिलाफ की भी काफ़ी वीडियो है, मेरे पास अपने पति के खिलाफ की भी सामने आमने की, और मेरे माँ बाप की सबकी वीडियो है जिन्होंने मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो चुकी हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन मेरे को अपना बेटा नज़र आ जाता है। मेरा बेटा कहता है कि मम्मी ये काम मत करना, आप मम्मी ये काम मत करना। दूसरा बेटा मेरे पति के पास है, मेरे पति के पास है, लेकिन मेरे बेटा मेरे को बार बार यही कहता है कि मम्मी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि इनके बेटे इनके साथ में रहते हैं, जो इनके बड़े बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे आप कमाल की बात देखिए, हैरानी की बात देखिए कि जब इनके साथ मारपिटाई हो रही होती है, बेटा वीडियो बना रहा होता है। क्योंकि जब इनसे हमारी बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं ये सोच लेती हूँ कि मेरे साथ आज जो होना है हो जाए, अगर मेरी जान भी चली जाए तो चली जाए, लेकिन सबूत के तौर पर एक वीडियो ज़रूर होना चाहिए। और जो वीडियो उस वक्त बना रहे होते हैं इनके बेटे हैं, हालाँकि अब आप सोच रहे होंगे कि वो वीडियो भी iBen24 आपको दिखाए, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा है, वो वीडियो हम आपको शायद दिखा भी ना पाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पुलिस ये जांच का पूरा विषय होता है। काफ़ी ज़्यादा उसमें अब्यूजिव वर्ड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा गालियां दी गई हैं, इस वजह से वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन वीडियो में जो मैंने देखा है, साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि इनके माँ बाप इनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ मारपीट की जा रही है। आप वीडियोज़ बना रहे होते हो उस वक्त क्या चल रहा होता है दिमाग में कि मेरी माँ किस जगह पर है कि मुझे ये कुछ देखना पड़ रहा है? क्या नाम है आपका? अमित। अमित नाम है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन मारता है? इन्होंने सारी फैमिली मार दी सी, मैं भी रोक नहीं सकता सी, मेरी मम्मी ने कहता सी वीडियो बना ला, फिर मैंने भी मारने वास्ते आ रहे सी ना। आपके साथ भी मारपीट होती है? मेरे नाल भी हो रही सी, मैं फिर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था सी, दो तीन बारी वीडियो बंद भी हो गई, फिर स्टार्ट की मैंने, फोन गिर भी गया सी। क्या इंसाफ चाहते हैं अभी आप? हम तीनों ने अंदर कराना चाहते हैं कि हम खुश रह सकें। हम तीनों के लिए हम हद से ज़्यादा है ना, इन तीनों को अंदर करवाना चाहते हैं, बस हमारा ये इंसाफ है। और ये कहते हैं कि तेरे को दुनिया में किसी की सपोर्ट नहीं मिल सकती, पब्लिक नहीं तेरे को सपोर्ट में आएगी, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तू एक भिखारी, तेरे को भिखारन बनाएंगे हम। और आपके माँ बाप शुरू से ही ऐसे थे या शादी के बाद हुए, या अब जब आप तलाक एक तरीके से देकर और अब वापस आ गए पति से अलग होकर तब ऐसे हुए? नहीं, ये शुरू से ही ऐसे, ये पहले दिन से ही ऐसे है। आना जाना था आपका आपके मायके ये में? बहुत कम, क्योंकि सिर्फ जब भी आते थे तो इनको नोट ही चाहिए होते थे। जब भी आते थे आपके माँ बाप कोई काम नहीं करते, ना पापा काम करते, कोई काम नहीं करते, चोरी चकारी। गुजारा कैसे चल रहा है इन लोगों का? इन लोगों का गुजारा कि मैं जाती हूँ रघुनाथ मंदिर में, जाती हूँ निर्मल कुटिया में, जाती हूँ वहाँ से बाबा जी से बात करती हूँ, वहाँ से राशन लेके आती हूँ, लोगों से भीख मांग रही हूँ, किसी से 10-20-50 सब हर चीज़ से, कि मैं अगर मैं भीख मांग के अपने माँ बाप का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर तो ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। तो जब आप ससुराल में थे तब आपके माँ बाप का कैसे गुजारा चल रहा है? तब भी हम देते थे, तब भी मैंने ही अपने माँ बाप को आज तक, हाँ भी मेरे को पेटीएम कर दे, मेरे को राशन दे दे, यानी कि इतने सालों से मैं ही पैसे दे रही हूँ। अब मेरे पति भी इसी बात से गुस्सा है कि तू इतना पैसा इनको क्यों दे रही है, ये माँ बाप है या कसाई है ये?
इतना पैसा अब तक आप अपने माँ बाप को दे चुकी हैं उनके गुजारे की? मैं अपने माँ बाप को कम से कम ज्यादा नहीं ना 7-8 लाख रुपया उनके ऊपर भी लगा चुकी हूँ और 7-8 लाख रुपया उनको दे भी चुकी हूँ। मैं एक बदनसीब औरत हूँ और मैंने अपने तन पे किसी भी तरह की किसी अपने ऊपर मैंने अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं लगाया। जो कमाया है अपने माँ बाप भाई बहनों के ऊपर ही लगाया है। अब बताओ एक दुखी हारी व्यक्ति क्या करेगी, मरेगी? दिल करता है कि 2 बार मैंने इनके अपने माँ बाप पति के पीछे जहर खा लिया, मैं मर ही नहीं पा रही। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तेल डाल के अपने बेटे को कहा कि आग लगा दूँ। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मेरा बेटा, दो दो जवान बेटे और आपको बेटों का भी सहारा बनना है। लेकिन समझिए कि जब भी किसी के घर में कोई बच्चा होने वाला होता है ना, हर कोई बेटे की मांग करता है, बेटी की मांग नहीं करता। लेकिन बेटी हर हाल में अपना फर्ज निभाती है, लेकिन यहाँ पर माँ बाप का एक दूसरा चेहरा, एक समाज में दूसरा चेहरा देखने को मिल रहा है कि उनको पैसा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बेटी चाहे कुछ भी करके लाए लेकिन उन्हें पैसा चाहिए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।